Assalamualaikum dear students, my name is Rajamrit Sen and today we will discuss the basic definition. First of all, I will discuss the outline of today's lecture. First of all, we will talk about what is matter. हम बात करेंगे matter क्या है. हम already previous lectures के अंदर matter को detail के साथ discuss कर चुके हैं. Matter के बाद substance क्या होता है, what is mixture, what is meant by physical properties and what is meant by chemical properties. तो ये आज के हमारे लेक्चर के पार्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या है. मैटर हर वो जो चीज जिसका पार्टिकुलर मास होता है और वो स्पेस कवर करती है, हम उसको मैटर का नाम देते हैं. हमारे इर्द गिर्द हर चीज मैटर है, हत्ता कि हम खुद भी मैटर हैं. इट मीन कि जो चीज हमें नजर आती है, जिस चीज को हम महसूस करते हैं, वो मैटर है. और इसका इनाद कि हर चीज मैटर से बनकर बनी है. मैटर को बेसिकली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर. कि अगर मैटर अपनी खालिस हालत में मौजूद है, उसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है, तो वो प्योर मैटर कहलाएगा. अगर उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हैं या उनकी मिलावट है, तो वो इम्प्योर मैटर कहलाएगा. प्योर मैटर क्या होता है, द सब्सटेंस द टाइप ऑफ मैटर विच इज इन इट्स प्योर स्टेट, जो अपनी खालिस हालत में मौजूद हो, हम उसे प्योर मैटर कहते हैं. और प्योर मैटर की जो एग्जाम्पल है, दैट इज सब्सटेंस. सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे, द टाइप ऑफ मैटर विच इज इन प्योर स्टेट, द टाइप ऑफ मैटर विच इज इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड सब्सटेंस. कि मैटर की वो टाइप जो अपनी खालिस हालत में मौजूद हो, अपनी प्योर स्टेट में मौजूद हो, हम उसको सब्सटेंस का नाम देते हैं. सब्सटेंस की एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी हैं? वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस. साल्ट, एनी टाइप ऑफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी साल्ट है, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? सब्सटेंस की, क्योंकि वो अपनी प्योर स्टेट में मौजूद है. इसके अलावा डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस के बाद हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर का नाम देते हैं. मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी? The type of substance which is not in pure state or the type of substance which is in impure state, that's called mixture. Further, अगर impure state की बात करें, impurities की बात करें, तो mixture को भी further two categories के अंदर divide किया जाता है, homogeneous and heterogeneous. Homo नाम से जाहिर है, homo का मतलब होता है same. जीनियस, यहां पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर कंपोजिशन. इट मीन होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ, द टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. द टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. कि ऐसा मिक्सचर अगर हम उसको किसी भी सरफेस से चेक करें, उसकी कंपोजिशन को किसी भी लेवल से चेक करें, किसी भी जगह से चेक करें, तो उसकी कंपोजिशन सेम हो, उसमें किसी भी किस्म की जो है वो चेंज ना हो, उनमें किसी भी किस्म का डिफरेंस ना हो, तो इस तरह का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है. होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल एयर है. एयर का आप सैंपल जहां से भी देंगे, नाइट्रोजन 78% होगी, ऑक्सीजन 21%, और इसी रेशियो से जो बाकी गैसेस मौजूद हैं हमारे एयर के अंदर वो मौजूद होंगे. ये लहदा बात है कि पोल्यूशन की वजह से एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो सकती है, लेकिन वो एक खास लिमिट तक होगी. ओवरऑल जो एयर की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है. होमोजीनियस मिक्सचर की दूसरी एग्जाम्पल गैसोलीन है. गैसोलीन की कंपोजिशन किस तरह से आपस में केमिकली कंबाइन है, वो भी जो है वो चेंज नहीं होती. कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्सचर किसी गैसोलीन के अंदर मौजूद होते हैं, कौन कौन से उसके अज्जा हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में मिक्स होकर गैसोलीन बनाती हैं, तो ये भी हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती. और अगर आपके पास गैसोलीन सैंपल है
तो आप उसको किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं, तो उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस नहीं होगा। तीसरी एग्जाम्पल आइसक्रीम। आइसक्रीम भी होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। आप किसी भी पॉइंट से इसको टेस्ट करते हैं तो उसकी स्वीटनेस जो है वो सेम होती है। या अगर कोई आप फ्लेवर्ड आइसक्रीम यूज कर रहे हैं तो वो फ्लेवर सेम होता है अगर आप उसको किसी भी पॉइंट से चेक करते हैं। ये तो था सब्सटेंस एंड मिक्सचर। बेसिक डेफिनेशन में हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती है? चीज का जो बिहेवियर होता है हम उसे उसकी प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। ये बिहेवियर दो तरह से हो सकता है। एक टेम्परेरी बिहेवियर जो टाइम बाय टाइम चेंज हो सकता है, इजीली चेंज हो सकता है कंडीशन को चेंज करके, और एक किसी भी चीज का परमानेंट बिहेवियर होता है। टेम्परेरी बिहेवियर फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, परमानेंट बिहेवियर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम डेफिनेशन देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस दैट इज एसोसिएटेड टू द इट्स फिजिकल स्टेट, कि वो प्रॉपर्टीज जो उसकी फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड होंगी हम उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। इनमें किसी भी चीज की फॉर्म चेंज होना, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट, कोई चीज कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कोई चीज किन सब्सटेंसेस में सॉल्युबल है किन सब्सटेंसेस में इनसॉल्युबल है, ये भी चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। इसके अलावा शेप, स्मेल, टेस्ट, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जाम्पल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस से मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाता है, हम उसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। तमाम सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल ए एक सब्सटेंस है जो कि बी से रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस सी बनाता है। सिमिलरली हमने ए ही लिया है दूसरे केस में भी, लेकिन इसका रिएक्शन डी से करवाया है, तो डी से रिएक्शन के दौरान ये सी नहीं बनाएगा बल्कि ये ई बनाएगा। इट मीन एक सेम सब्सटेंस ने उसके साथ अगर रिएक्शन करने वाला दूसरा सब्सटेंस हम चेंज करें तो जो कंपाउंड बनेगा एज अ रिजल्ट जिस चीज की फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस का नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर को एक दफा रिव्यू में कर लूं। हमने सबसे पहले बात की है मैटर की। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द हर चीज मैटर है। मैटर की दो स्टेट्स होती हैं, दो फॉर्म्स होती हैं, सॉरी, प्योर और इम्प्योर। प्योर फॉर्म में मैटर को हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। वाटर, साल्ट, डायमंड की सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल है। इम्प्योर फॉर्म में मैटर को हम मिक्सचर का नाम देते हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस हेटरोजीनियस। जिस मिक्सचर की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं, और जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती हम उसे हेटरोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, जबकि हेटरोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल सॉयल, रॉक एंड वुड है। इसके बाद हमने बात की है प्रॉपर्टीज की। किसी भी चीज का जो बिहेवियर होता है वो प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। बिहेवियर दो तरह का हो सकता है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी बिहेवियर को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। इनमें मेल्टिंग पॉइंट, शेप, स्मेल और टेस्ट, जबकि परमानेंट बिहेवियर को हम केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। इनमें हम रिएक्शंस की बात कर चुके हैं। कार्बन ऑक्सीजन का आपस में कंबाइन होना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, सिमिलरली सोडियम और क्लोरीन का आपस में कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाना। स्टूडेंट्स, दैट वाज द टुडेज लेक्चर।